हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द एलेवेंथ वीडियो ऑफ द चैप्टर तो अब देखते हैं किस तरह ओलिगोपोली एक प्राइस मेकर का काम करती है तो उससे पहले हमने पढ़ा ओलिगोपोली दिस इज द अ मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर तो मोनोपोली किस तरह प्राइस मेकर है तो इसमें देखिए हम बाई एक्स पर देखते हैं प्राइस वन एंड प्राइस टू प्राइस वन में देखिए क्वान्टिटी इतनी सेल्ड हो रही है और प्राइस टू में क्वान्टिटी की सेलिंग बढ़ जाती है ठीक है इज द डिमांड कर यहाँ पर शो हो रहा है वट डज दिस मीन इसका मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं बिकॉज द फर्म इज द इंटायर इंडस्ट्री तो फर्म एक इंटायर इंडस्ट्री होती है इट डिसाइड्स आउटपुट लेवल्स फॉर द इंटायर मार्केट ये पूरी मार्केट के आउटपुट लेवल को डिसाइड करती है ठीक है द डिमांड कर्व फॉर द मोनोपोली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग मोनोपोली के लिए डिमांड कर्व क्या है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पर दिख रहा है। आगे देखिए लास्ट टॉपिक को हम हैं इस चैप्टर का प्राइस इलास्टिसिटी एंड मार्जिनल मार्जिन प्राइस इलास्टिसिटी और मार्जिनल रिवेन्यू में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है द मोर इलास्टिक कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी मोर डिमांड इज एफेक्टेड बाई चेंजेस इन सप्लाई तो द मोर डिमांड इज एफेक्टेड बाई चेंजेस इन सप्लाई तो जितनी ज्यादा इलास्टिक बहुत ज्यादा असर पड़ता है इन अ कंपिटेटिव मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू इज द सेम एज प्राइस तो एक कंपिटेटिव मार्केट में मार्जिनल रिवेन्यू प्राइस के बराबर होता है ठीक है देयरफोर इन अ कम्पटिटिव मार्केट प्राइस इलास्टिसिटी हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद मार्जिनल रिवेन्यू और इसीलिए कंपिटिटिव मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी का मार्जिनल रिवेन्यू के साथ सीधा रिलेशनशिप होता है ठीक है इन अ नेचुरल मोनोपोली एक नेचुरल मोनोपोली में क्या है मार्जिनल रिवेन्यू इज लेस देन प्राइस प्राइस से कम होता है ठीक है <laughs>